सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसकी चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन एंड 5 वीमेन कैन डाइन एट अ राउंड टेबल इफ नो 2 वीमेन आर टू सिट टूगेदर। हर जगह एक क्वेश्चन जरूर बैठता है, 2 वीमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए ना। हम नहीं कह रहे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन यही आता है कि नो 2 वीमेन कैन सिट टूगेदर। अब क्यों लिखते हैं भगवान जाने। कहते हैं कि 6 मैन है और 5 वीमेन है, दे कैन डाइन। डाइन मतलब डिनर करने वाला शायद होता होगा, मतलब डाइन वो नहीं है डाइन भूत वाला। अभी कह रहे हैं कि उसमें 2 वीमेन एक साथ ना बैठे, एक साथ ना बैठे तो मतलब क्या, बीच बीच में आदमी बैठे। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 आदमियों को बैठा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक राउंड टेबल है और मैन नंबर 1 M1 M2 M3 M4 M5, तो इन्हें तो सर्कुलर परमुटेशन ही लगाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 वेन ऑन राउंड टेबल, ऑन राउंड टेबल, चूंकि मेन के मुंह होते हैं और मुंह से हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा आदमी है। तो लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, हम पहचान लेंगे अरे वाह नहीं सी ऐसी बैठ गया। तो यानी कि इसमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज अरेंजमेंट चेंज हो गई, इधर से रोहन इधर से सोहन है, तो हम जान जाएंगे। इसलिए यहाँ तरीका क्या लगेगा, 5 - 1 फैक्टोरियल, बाई 2 नहीं होगा, यानी फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से हम क्या करेंगे, 6 मैन है शायद, सॉरी 6 मैन है, M6 भी है, M6 6 मैन है, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम आदमियों को बैठा सकते हैं। अब कहते हैं कि 6 लेडीज को बैठा लो, लेडीज कितनी है, 5 हैं, और 5 लेडीज बैठा लो, तब क्या करें, बीच बीच जगह देख लेते हैं। देखो ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6। अब 6 सीटें हैं और 5 लेडीज हैं, तो 6 में से 5 लेडीज को बैठा लो। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट टू मेक 5 लेडीज टू सिट, 5 लेडीज टू सिट। अब अंग्रेजी देख लेना, तो 6 सीटों में से 5 लेडीज बैठाना, 6 × 5, तो 6 × 5 मतलब फैक्टोरियल 6 × 5 अरेंजमेंट होगा ना, तो फैक्टोरियल 6 × 5 6 - 5 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से आप लेडीज को बैठा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो फैक्टोरियल 5 तरीके, वो फैक्टोरियल 6 तरीके ही है। इसको निकाल लीजिएगा, वैल्यू हम नहीं निकाल रहे, इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ते हैं, आप निकाल लीजिएगा। तरीका समझ में आया, मतलब सर्कुलर परमुटेशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बीच में गड़बड़ेशन अगर कहीं है तो वो भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।